नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीषा, मुनीषा फैशन अब बुटीक से। वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ द जोश। यस, जोश हाई होना चाहिए दोस्तों, जोश हाई रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम डिफरेंट प्लाजो बनाएंगे, जो कि मुझे लगता है शायद आपने ना देखा हो। डिफरेंट जो कि स्कर्ट का भी लुक आएगा, बहुत प्यारा प्लाजो बनाएंगे। उससे पहले तो न्यूज़ में मेरे आगे एक ऐसी न्यूज़ आई, एक साहसी लेडी की, जिनका नाम है कलावती देवी, जो कि कानपुर से राजमिस्त्री का काम करती है। किसी को तो ये भी नहीं पता होगा कि राजमिस्त्री क्या होता है। मैं आपको बताती हूँ, राजमिस्त्री वो होता है जो घर बनाते हैं, जो बिल्डिंगें बनाती हैं, उनको राजमिस्त्री बोलते हैं। जो कि अधिकतर हम लोग देखते हैं कि वो काम जेंट्स करते हैं, और कानपुर की कलावती देवी राजमिस्त्री का काम करती रही, ताने सुनती रही, एक एक ईंट अपने साहस के साथ वो रखती गई और बिल्डिंगें बनाती रही। तो ये देखो, उनकी साहस की जो न्यूज़ पे उनके साहस के बारे में बोला गया और लिखा गया। दोस्तों, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि कमेंट आया है एक, अभी मैंने जैसे कमेंट रीड किया था तो उसमें एक कमेंट आया है कि उन्होंने लिखा हुआ है कि मैम, मैं स्टिचिंग करना चाहती हूँ बट मेरी हैसियत नहीं है और पैसे नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। हमें अपनी हैसियत बिल्कुल भी कहीं पर भी ये वर्ड का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमारे अंदर स्टिचिंग सीखने के लिए सिर्फ जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। आपको फ्री में कोचिंग मिल रही है, आप सब कुछ सीख सकते हो। दोस्तों, ये बात आप अच्छे से जानते हो कि आदमी किसी भी स्थिति में, गरीब या अमीर, पैदा होना उसके हाथ में नहीं होता, ये भगवान की मर्जी होती है। लेकिन गरीब मरना, ये उसकी खुद की मर्जी होती है। दोस्तों, हम अपने जुनून और हौसले से आगे बढ़ सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। हमें हार नहीं माननी चाहिए, ना कभी भी हम बेचारा बनेंगे, हम हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैं बोलती हूँ हमेशा, हम लेडीज का हाथ ऐसे नहीं होगा, ऐसे होना चाहिए। हम भी अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और कमा सकते हैं। अब स्टिचिंग में देखो, हम स्टिचिंग कर कितने अच्छे प्यारे प्यारे पीस बनाकर हम अपने ही सिले सूट का एक ब्रांड बना सकते हैं, जो कि हम अब रोड में भी बेच सकते हैं। एक इसी बिजनेस को हम कितना बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। दोस्तों, मैं भी फैमिली में हूँ और बिजनेस रन कर रही हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। अपने हौसले ना तोड़े और अब हम चलते हैं काम पर। अब हम देखेंगे कि कैसे हम प्लाजो की कटिंग करते हैं। तो ये फैब्रिक है, जैसे कि शर्ट की कटिंग मैंने इसमें कल की थी, और अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास 3.5 तक ये फैब्रिक है, मेरे पास 3.5 मीटर फैब्रिक है। इसमें अर्ज थोड़ा बड़ा है, तो अब हम इसका प्लाजो बनाएंगे। वैसे जो ये मैं प्लाजो बना रही हूँ, इसके लिए हमें 6 मीटर फैब्रिक लगता है। 6 मीटर में से प्लाजो बहुत अच्छा प्लाजो बनता है, बट हम कस्टमर को ये भी पूरा प्यारा पीस बना के देंगे। आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखिए और वीडियो में एंड तक बने रहे दोस्तों, स्किप मत कीजिएगा। वीडियो लास्ट तक देखिए, मज़ा आएगा, कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। अब देखो, पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ हम इसकी कैसे लेंगे, ये देखो, हम फैब्रिक को रखेंगे ऐसे, क्योंकि इसका अर्ज है बड़ा। ये कन्नी इस साइड होगी और कन्नी इस साइड होगी। वैसे तो हम लेंथ लेते हैं बिल्कुल सीधा, लेकिन ये अड्डा कपड़ा रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये हमारा कन्नी वाला साइड हो गया है। ऑलमोस्ट हम कन्नी वाले साइड से ही बॉटम बनाते हैं, कन्नी वाले साइड से हम शर्ट बनाते हैं। लेकिन इस प्लाजो में हमारा लेंथ कम है, बट फिर भी हमारा जो पीस ज़्यादा जाएगा, मतलब हमने इसमें डालने हैं गैदर्स, तो हम इसको ऐसे ही लेंगे। मुझे नहीं पता आप लोग क्या बोलते होंगे, पर हम बोलेंगे कि अड्डे कपड़े से लेंगे। देखो, इसमें स्टैच होता है और जो सीधा होता है उसमें स्टैच नहीं होता। ये देखो, ये स्टैच नहीं है, और ये कपड़ा हम ऐसे लेंगे तो इसमें हल्का सा स्टैच होता है। जैसे जब कपड़ा तैयार किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी, तो इसकी जो बुनती होती है, बुनती समझते हो ना। अब मुझे ये नहीं पता, कन्फ्यूजन रहता है कि आप लोगों को क्या समझ में आता है, फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको समझ में आए।
जो फैब्रिक की बुनती होती है दोस्तों, ये धागे बारीक बारीक धागे ये सांचे में डाले जाते हैं, तो उसकी बुनती होती है, तब हमें पता चलता है। देखो ये स्टेच है, इसमें ये अड्डा है और जो हमारा ये होता है ये सीधा होता है। तो अब हम करेंगे इसकी लेंथ मेजर। देखो मेरे पास जो कस्टमर की लेंथ है, पैंट की लेंथ 37 है, पैंट की लेंथ है ये मेरे पास 37। अब मुझे बनाना है इसमें गैदर्स वाला प्लाजो। अब 37 पैंट की लेंथ है, वो भी एंकल नहीं है, अच्छी पैंट, उनको बिल्कुल लॉन्ग पैंट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2+ करेंगे 39। तो अब हम कटिंग करेंगे 39 पर दोस्तों, क्योंकि जो प्लाजो लूज वाला प्लाजो होता है वो इतना एंकल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गैदर्स वाले स्कर्ट की लुक आएगी। हम हील वगैरह भी डाल सकते हैं इसके नीचे, या जूती भी डालनी हो तो इतना तो हो कि हम इसको 2 इंच बड़ा रखेंगे एंकल पैंट से, जो हमारी एंकल पैंट होती है। अगर हम गैदर्स वाला प्लाजो बना रहे हैं, 2 या 3 इंच हम उसकी लेंथ बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मैं 2 इंच बढ़ाऊँगी, क्योंकि पंजाबी सूट बन जाएगा, जूती भी डाल सकते हैं, हील थोड़ी कम चलेगी, क्योंकि एग्जैक्ट कस्टमर का नाप मेरे पास नहीं है, पैंट का ही नाप है, कस्टमर बाहर है, तो मैं उसी से काम चलाऊंगी और एक परफेक्ट पीस बनाऊंगी। अब हम 1 इंच ऊपर लेंगे, 1 इंच छोड़ेंगे। ये हमने 1 इंच ऊपर लिया बेल्ट का, और 39 पर हम मार्क करेंगे। एग्जैक्ट क्लियर दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? ये हमने कर लिया कट, क्योंकि ये सीधा है और ये कन्नी है, तो ये ऐसे ही फट जाएगा। एक बार देखते हैं, ट्राई ट्राई करते हैं। यस, फट गया है। जिसको नींद आ रही है उसकी आंख खुल जाएगी कि क्या हो रहा है ये। वीडियो चला के सो तो नहीं जाते हो दोस्तों? अब ये देखो, ये हमारी लेंथ और ये फैब्रिक पूरा। अब हम दिखाते हैं, पहले हम इस पर हल्की हल्की सी लगाएंगे प्रेस, और फिर चलेंगे मशीन पर, और फिर दिखाते हैं हम आपको कि कैसे। एक बार मेजर से हम बताते हैं आपको, मेजर कर लेते हैं यहीं पर, फिर मशीन पर चलेंगे। हम ऊपर से 1 इंच का निशान लगाएंगे, यह हमें आइडिया हो गया कि हमारे 1 इंच हम वैसे ही निशान उठाएंगे। बाकी बताती हूँ कि इसका हमें करना क्या है दोस्तों। अब हम करेंगे इसके 2 पीस। क्योंकि अगर हम स्कर्ट बनाते तो हमें एक ही पीस की जरूरत थी, बट अब हम करेंगे 2 पीस, क्योंकि हमने बनाना है इसका प्लाजो। ये देखिए, अब ये निकल चुके हैं हमारे 2 पीस, पूरे फैब्रिक के कर लिए हमने 2 पीस। और अब हम चलते हैं मशीन पर और इसे स्टिच करते हैं दोस्तों। अब हम स्टिच करते हैं, पहले हम सीम को करते हैं बड़ा, 5 पर करेंगे हम स्टिच के लिए, हम करते हैं 5 पर। तो हम पहले हल्का सा चलाएंगे 1 इंच तक, और उसके बाद हम ये 2 उंगली से हम गैदर्स डालेंगे। इन 2 उंगली से ही पूरा गैदर्स जाएगा, देख रहे हो ना दोस्तों? 2 उंगली से ही हम गैदर्स बनाएंगे। आजकल के बच्चे तो परफेक्ट हैं ये करने में, आजकल के बच्चे तो पिक भी ऐसे ही लेते हैं ना। तो दोस्तों हम ऐसे ही 2 फिंगर का यूज करेंगे,
और ऐसे हम गैदर्स डालेंगे। एक बार कैमरे इधर दिखाइए, इधर सामने से दिखाइए एक बार। हम ऐसे फिंगर को देखो, हमारी फिंगर ये दोनों कप, ये जो हमारे इसके नीचे फैब्रिक है हल्का सा, ऐसे करेंगे, नज़र आ रहा है। और धीरे धीरे हम सीम, ये देखो, हम स्लो ही मशीन चलाएंगे, फास्ट नहीं, फास्ट में गैदर्स अच्छे नहीं आते। ये देखो, ये ऐसे फिंगर से हम कपड़ा आगे ले जाएंगे और धीरे धीरे प्यारे प्यारे गैदर्स हम डाल देंगे। ये देखो कितने प्यारे गैदर्स डल रहे हैं साथ साथ। प्लीज़ सभी ध्यान से देखें, कोई भी ना सोए, आलस मत फैलाइए वरना मुझे भी आलस आ जाएगा काम करते हुए, और ज़्यादा आलस से झुर्रियाँ पड़ जाती है दोस्तों, ये आपको पता ही है। लेडीज़ की उम्र का तो सबको पता है, कमी होती है किसी की कितनी भी हो। हम कहाँ अपनी उम्र कभी किसी को सही बताने वाले हैं, ये बात तो आपको पता ही है। क्योंकि इस बात, बस आपको एक बात बताती हूँ, मुझे याद आ गई अपने बचपन की एक बात। मैंने स्टिचिंग भी अपने मामा के घर ही सीखी है, तो पहले तो आजकल के बच्चों का तो थोड़ा कम है जाना, बट हम तो खूब गए हैं अपने मामा के घर। जब भी समर सीजन में छुट्टी होती थी तो हम तो अपने मामा के घर ही जाते थे। मेरे मामा जी के लड़के एक डॉक्टर हैं, तो मेरी सिस्टर हैं, तो वो जब भी चेकअप के लिए जाती थी शादी के बाद, भाई उनको बोलते थे उनकी शादी भी होगी, बट वो अपनी एज हमेशा 25 ही लिखवाती थी। शादी भी होगी उनकी, बच्चे भी होगे, जब भी वो चेकअप के लिए जाती तो 25 अपनी एज लिखवाती। मेरा भाई डॉक्टर है, भाई बोलने लग गया, भाई वो जो भी नाम है मैं नाम नहीं लूँगी, कहती है भाई बहन तू एक बात बता, तू 5 साल से 25 साल ही लिखवा रही है, कम से कम 1-2 साल तो बढ़ा ले, कम से कम 1 साल तो बढ़ा ले उम्र। फिर उसने क्या जवाब दिया पता है, कहती है सोचूंगी, वैसे टाइम तो काफ़ी हो गया, चल एक उम्र बढ़ा ही लेते हैं, 26 लिख दे अब की बार। उसने कभी भी डॉक्टर से भी अपनी एज कभी भी सही नहीं बताई, ये देख लो। तो भाई ये तो है कि हमें अपनी एज बतानी नहीं होती, ये गॉड गिफ्टेड है, ये शायद भगवान भी चाहता है। ये देखिए कितने प्यारे और सुंदर गैदर्स डले हैं। हम एक ही हाथ का प्रयोग करेंगे, देखो दूसरा हाथ मेरा फ्री है बिल्कुल, एक ही हाथ का यूज कर रहे हैं हम। इसमें टाइम तो लगता है दोस्तों, बट काम अच्छा होता है। ये देखिए दोस्तों, दोनों में गैदर्स पूरे डल सके हैं, 2 पेस हैं जो उनसे दोनों में डल गए हैं। अच्छा दोस्तों, एक कमेंट आया है और उसमें आरमोल के बारे में पूछ रहे हैं कि आरमोल कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों इस पर मैं पूरा मेजरमेंट करके आपको बताऊंगी, क्लासेस में आपको पूरा बताऊंगी कि आरमोल कैसे निकालते हैं और कैसे सामना निकालते हैं। इन चीज़ों को मैं दो प्रकार से बताऊंगी। एक प्रकार से जैसे हम डिज़ाइनिंग में जो हमने सीखा है वो आपको बताएंगे कि डिज़ाइनिंग में हम कैसे एक प्रोफेशनल जो होते हैं, कैसे मेज़र करके चेस्ट के अकॉर्डिंग ही हम कैसे आरमोल और आर्म शोल्डर निकालते हैं, वो सब चीज़ें मैं क्लासेस में आपको A to Z सब कुछ बताऊंगी। बट आप क्लासेस के लिए तैयार रहिए और वीडियो को शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर कोई नया बंदा भी जुड़ सके जिसको ज़रूरत है, जो टैलेंटेड है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, जिसको ज़रूरत है वो जुड़ सके। काम भी नहीं रोकना है और मुझे बात भी आपको पूरी बतानी है,
तो काम करते करते ही बताती हूँ, गैदर्स डल चुके हैं दोस्तों इसमें। तो वीडियो को शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हर किसी ज़रूरतमंद के पास वीडियो पहुँच सके जो सीखना चाहता है और टैलेंटेड है, वो भी फ़ायदा उठा सके। ये देखो, हमने गैदर्स डाल लिए हैं। वाओ, ये देखो इक्वल आए हैं दोनों, दोनों पीस इक्वल आए हैं। अच्छा ये बताइए, सबको क्लियर हो गया ना कि गैदर्स कैसे डालते हैं? समझ में आया सबको? प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके बताया करो कि हाँ जी हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं भी यार खूब मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। वीडियो बनाना भी कोई आसान काम नहीं है, मुझसे पूछो मेरा भी पूरा पूरा दिन जाता है वीडियो बनाने के लिए। तो इसलिए बता रही हूँ कि आप बताया करो कि आपको समझ में आता है। आप ये समझो करो कि हम आमने सामने हैं, जैसे मुझे लग रहा है कि आप मेरे साथ जुड़े हो, मैं आपको फेस टू फेस बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। तो आप भी ऐसे सोच के बात किया करो कि फेस टू फेस है। ये देखो ये पूरा इक्वल आया है, हल्का से इधर से कम है, तो हम एक दो गैदर्स निकालेंगे। अच्छे से चुंगटे भी बोलते हैं दोस्तों हर जगह, जैसे कि मैं बताती हूँ तो वर्ड अलग अलग यूज होते हैं, तो इन्हें गैदर्स भी बोलते हैं, इन्हें चुंगटे भी बोलते हैं। प्लेट्स अलग होते हैं, ये प्लेट्स नहीं होते, प्लेट्स अलग होते हैं, बॉक्स प्लेट अलग होते हैं, और जो ये बंद बॉक्स प्लेट अलग होते हैं। तो ये कई तरह के होते हैं, ये सब चीज़ें हम आपको दिखाएंगे और धीरे धीरे आपको वन बाय वन एक एक चीज़ बताएंगे। दोस्तों कोई ऐसे नहीं बताता डिटेल में, कोई नहीं बताता हर एक चीज़। बट जितनी मेहनत मैंने इस फील्ड में की है, कुछ मैंने इधर से सीखा, डिज़ाइनिंग का पूरा मैंने कोर्स किया, कुछ मैंने पूरी मेहनत की है इसमें। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, प्रैक्टिस करने से ही हम बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी हम परफेक्ट होएंगे। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हम परफेक्ट बनेंगे। अब ये पूरा प्लाजो आप देखेंगे और वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा प्लाजो देखना कि कितना सुंदर प्लाजो ये बनेगा। ये हमने इसमें डाल दिए गैदर्स, अब हम इसको एक बार पक्की सिलाई लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, हम पक्की सिलाई कैसे लगाएंगे, जैसे कि मैंने बताया था 1 इंच पर हमने पहले नीचे लगाई है कच्ची सिलाई, अब हम पक्की फाइनल कर रहे हैं, जो कि मैंने सीम भी चेंज कर ली है। अब हम ऐसे ही दो फिंगर का यूज़ करेंगे और दूसरे हाथ की फिंगर से हम थोड़ा सा इसको ऐसे सेट करेंगे। ये देखो, ये नज़र आ रहा है क्लियर? हाँ जी, ये ऐसे हम इसको सेट करेंगे, फिर हम ऐसे ही फिंगर से रखेंगे और इन दो का यूज़ करेंगे। ये प्लाजो पूरी दो उंगलियाँ ही सील देंगे मुझे लगता है ऐसे। ये देखो, ये हम किस लिए करते हैं, ताकि गैदर्स में फिनिशिंग आए। जब हम ये नीचे वाले सीम निकाल देंगे, जब हम पूरा इसको बनाएंगे तो हम नीचे वाले सीम निकाल देंगे और गैदर्स हमारे बिल्कुल फिनिशिंग से बनेंगे। मशीन को धीरे धीरे ही चलाना है, घुमाना नहीं है मशीन को। अच्छा दोस्तों, एक कमेंट आया, वो मुझे मशीन से याद आ गया। हर कोई पूछता है कि मशीन कितने की है, मशीन कितने की है, प्रेस कितने की है। दोस्तों किसी ने भी परचेज नहीं करना है, जिसके पास जो मशीन है, अगर हमारे पास हाथ वाली मशीन है तो हमें उससे ही काम करना है, अगर हमारे पास घर वाली प्रेस है तो हमें उससे ही प्रेस करनी है, अगर हमारे पास सिंपल इंटरलॉक है तो हमें सिंपल इंटरलॉक ही रखनी है। हमें दोस्तों कुछ भी ज़्यादा परचेज नहीं करना है। क्लासेस में कुछ टूल के बारे में मैं आपको बताऊंगी, कुछ मटेरियल के बारे में बताऊंगी, जो आपको ज़रूरी होगा वो ही मटेरियल लेना है। आप अपनी कमाई से मशीनें खरीदेंगे,
आप इससे भी बड़ा टॉप मॉडल लीजिएगा बट अपनी कमाई से। हस्बैंड से मत बोलना कि हमें मशीनें दिलवाओ, क्योंकि मैंने भी अपनी कमाई से ही दोस्तों ये मशीनें ली हैं, तो आप भी अपनी कमाई से ही लेना, इससे भी टॉप मॉडल लेना, मेरी तो ये इच्छा है। बट फिलहाल आप ऐसे पैसों को वेस्ट नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं खरीदेंगे, जो हमारे पास है हम उसी से काम चलाएंगे। कि मैं आपको इसके बारे में बताऊँ तो ये देखिए गैदर्स, देखिए अब आप हम ऐसे इसमें देखो, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो बिगनर हैं वो भी प्लाजो बना डालें, उनको भी लगे कि हाँ बना सकते हैं भाई, वो भी बना लें। पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी अच्छा लगता है आप कमेंट करके पूछते हो, तो मुझे लगता है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। ये पूरे पे हमारी सिलाई डबल हो जाएगी, हम बाद में इसको निकाल देंगे एक सिलाई को। तो देखिए कितने सुंदर गैदर्स डले हैं बैक और फ्रंट दोनों तरफ। अब हम क्या करेंगे, आसन लगाएंगे। अब हमारे दो पीस थे, एक पीस ये दोनों में डाल लिया हमने गैदर्स, दोनों को हाथ में लिया ऐसे और किया फोल्ड। जैसा कि मैं बताती हूँ, पैंट प्लाजो जब भी हम कट करते हैं, ओपन साइड हम अपनी तरफ रखेंगे, ऑफ साइड हम रखेंगे अपोजिट साइड। कुर्ती में हम बन साइड अपनी तरफ रखते हैं, बट प्लाजो में हम ओपन साइड अपनी तरफ रखेंगे। ये हो गया हमारा प्लाजो। अब हमने ये देखो इसको एक सरक करेंगे हम ऊपर से, सबको मिलाएंगे इक्वल इक्वल। हाँ जी, आ रहा है समझ में आप लोगों को कैसे प्लाजो इजीली बन गया। अब हम लगाएंगे आसन का निशान, जो हमारा क्रोच पॉइंट होता है उसका हम निशान लगाएंगे। ये लगाएंगे हम 13 पर। क्रोच पॉइंट का निशान लगाया है, यानी कि आसन हमने 13 इंच पे लिया है। और नीचे लेंगे हम, देखिए एक बार कैमरा दिखाइए, 1 इंच लेंगे, ये हमने 1 इंच लिया है। और ऐसे ही हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, हल्का सा हम इसमें कर्व देंगे, कर्व आ जाएगा ऐसे, इक्वल रखेंगे हम, 4 के 4 पार्ट हम इक्वल रखेंगे। ये अब हम क्रोच पॉइंट जो आसन है उसकी करेंगे कटिंग। ये हमने आसन की करी है कटिंग। अब हम आसन को आसन से मिलाएंगे, सिलाई लगाएंगे, फिर इसके ऊपर हम बेल्ट लगाएंगे, बेल्ट। अब जो हमने लेंथ निकाली थी वो निकालेंगे हम बेल्ट इसमें से। बेल्ट हम कितने इंच के लगाते हैं दोस्तों, पहले भी मैंने बताया आपको। बेल्ट लगाएंगे हम, कट करेंगे 4 इंच का फैब्रिक। प्रेस कर लेते हैं, हम 4 इंच पर मार्क करेंगे, वैसे ये पूरी आ जाएगी।
ये देखो, वैसे मुझे लग रहा है पूरी आ जाएगी। डबल कर लेते हैं और हम इसको ही कट कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें हम जोड़ लगा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमने कट कर लिए बेल्ट। अब हम लगाएंगे इस पर लास्टिक। पहले हम इसमें डालेंगे जोड़। बेल्ट मैंने पहले भी बताई है कैसे लगाई जाती है और लास्टिक कैसे डाली जाती है। अच्छा दोस्तों, एक कमेंट आया है, नेक वगैरह में ये बुकरम, मुझे तो ध्यान भी नहीं रहा क्योंकि हम मैं बुकरम यूज ही नहीं करती, कि बुकरम क्यों नहीं लगा सकते। देखो, बुटीकों में बुकरम का यूज नहीं किया जाता। फ्यूजिंग पेपर लगाते हैं, लाइक्रा लगाते हैं, पेस्टिंग लगा लेते हैं, पर बुकरम का यूज नहीं होता। अलग मटेरियल यूज होता है बुकरम। मेरे बुटीक में तो बुकरम है भी नहीं, क्योंकि अब फिनिशिंग से काम होते हैं, फ्यूजिंग पेपर से ही हम सारे काम करते हैं। तो दोस्तों, अब हम मशीन पर चलते हैं, लगाते हैं सिलाई और इस पर लगाते हैं बेल्ट को, घुमाते हैं और फुल इलास्टिक डालते हैं। में सिलाई नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा छोड़ेंगे क्योंकि हम इसको बाद में गुम करेंगे, वो आपको दिखाएंगे। अब हम दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। धागा ही नहीं निकल गया। अब मुझे धागा डालना है तो मैं जलाऊंगी लाइट, क्योंकि लाइट के बिना नहीं डालता धागा मशीन में। ये लाइट कर देती हूँ मैं ऑफ, फ्लैश लगती है ना दोस्तों, इसलिए मैं लाइट ऑफ करती हूँ। मैंने धागा डालने के लिए लाइट की थी ऑन। और हम कम करेंगे, ये देखो, ये बन गया पूरा। अब हम साथ साथ इंटरलॉक करेंगे पहले। मैंने इंटरलॉक की सेटिंग ऐसे की हुई है कि मुझे उठना ही नहीं पड़ता, ऐसे ही घूम जाती हूँ। ये हम दोनों तरफ पहले इंटरलॉक कर लेंगे। हम बाद में भी कर सकते हैं, बट मैं तो साथ साथ करती हूँ इंटरलॉक, ताकि जो हमारा ऊपर होता है ना, अच्छे से फिर इंटरलॉक नहीं हो पाती, प्लास्टिक डल जाती और इंटरलॉक अच्छे से नहीं हो पाती। ये कस्टमर ने मुझे बिल्कुल प्लेन रेयॉन का सिंपल सूट दिया, और दोस्तों ये ही सूट मैंने कितना प्यारा और एक अच्छी ड्रेस बनाई है इसकी। अब हम लगाएंगे बेल्ट। कमेंट करके बताना कि आपने पहले भी ऐसा प्लाजो सिला है। ऐसे हम बेल्ट में सिलाई लगाना शुरू करेंगे। देखो, अब हम सिलाई कैसे लगाएंगे, जो हमारी ऊपर वाली सिलाई है उसके बीच में ही हम सिलाई डालेंगे। ताकि फिनिशिंग आए, नीचे वाली सिलाई हम निकाल देंगे दोस्तों,
और ऊपर वाली सिलाई को हम नज़र नहीं आने देंगे, इस तरह से हम स्टिच करेंगे। ये देखिए, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताना किस किस ने ये प्लाजो ऐसा इजी और इतना अच्छा फर्स्ट टाइम देखा है। इमेजिंग ड्रेस बनेगी दोस्तों, ये इमेजिंग ड्रेस। तो अब हम लगाएंगे इसमें इलास्टिक। अब हम इसमें जो हमने पट्टी लगाई थी वो दी जोड़, और हमारी निचली सिलाई भी नज़र नहीं आ रही है जो हमने नीचे कच्चा किया था। क्योंकि हम लगा रहे हैं इसमें इलास्टिक। ये देखो कितने सुंदर इसमें, हमने ये ध्यान रखना है जब हम मशीन चलाते हैं तो दोस्तों इलास्टिक के ऊपर नहीं चलाएंगे, हमें फैब्रिक को हल्का सा ऐसे फिंगर के साथ ऐसे अपनी तरफ रखना है ताकि इलास्टिक पर सिलाई ना जाए। ये देखो कितनी फिनिशिंग के साथ इसमें इलास्टिक आ रही है, और गैदर्स की अपनी फिनिशिंग, जो गैदर्स हैं उनकी अपनी फिनिशिंग नज़र आ रही है। ऐसे फिंगर के साथ हम ऐसे फैब्रिक को, इससे ना तो मार्जिन ज़्यादा लगता है कि फैब्रिक निकल गया, ना इलास्टिक के ऊपर चलती है, पूरी पूरी इलास्टिक डलती है। ये देखो पूरी पूरी इलास्टिक डलती है। ये देखिए दोस्तों, अब हम इसका घेरा करेंगे, फोल्ड बारीक फोल्ड करेंगे नीचे से। ये पूरा घेरा हमने कर लिया फोल्ड। ये बिल्कुल बारीक फोल्ड किया है मैंने। ये देखो और अब सस्पेंस हो गया इसमें ख़त्म, और अब हम दिखाते हैं कि घेरे में लगाएंगे हम लेस और कैसे इसको एक अच्छा पीस बनाएंगे। ये देखिए, ये हमने लेस कट की है, ये वाली लगा रहे हैं हम इधर लेस, जॉइंट जहाँ पर होगा हम उधर से स्टार्ट करेंगे जॉइंट। ये हाँ, ये देखिए, ये अब हम इधर से लगाएंगे। ये देखिए, ऐसे हम किनारी किनारी पर इसको पूरी पे घुमाएंगे दोस्तों। चेंज हो जाना है, उन्होंने रियोन का प्लेन फैब्रिक मुझे दिया था और देखो इसका क्या बन गया। वाव, कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये 80 रुपये मीटर वाला फैब्रिक है। और इसका कितना प्यारा और कितना अच्छा पीस बना है। देखो मैंने काफ़ी देखी इस पर लगाकर, जो मुझे बेस्ट लगा वो मैंने इसमें दिया।
क्योंकि इसमें मैंने गोल्डन का टच थोड़ा सा दिया, येलो भी अच्छा लगा था बट उसमें मैंने पूरा गोल्डन और हल्का सा मैंने इसमें मल्टी डाला हुआ है। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर प्लाजो यहाँ पर रेडी हो चुका है, ये देखिए वाओ। ये देखिए गैदर्स कितने प्यारे आए हैं, स्लिट्स कितने प्यारे स्लिट्स डले हैं इसमें, और जो नीचे हमने लगाई है इसमें लेस, लेस लगाने के बाद भी इसमें डले हैं प्लेट्स। ये देखिए कितना सिंपल जो ये था फैब्रिक, 5 मीटर में से मैंने कुर्ती और ये निकाली हुई है। कल मैं आपको इसकी कुर्ती की स्टिचिंग बताऊंगी, स्लीवलेस कैसे बनाएंगे, और सस्पेंस है कि हम उसमें क्या लगाएंगे, डेकोरेट कैसे करेंगे, उस सूट को कैसे अच्छा बनाएंगे। जैसे कि ये प्लाजो हमने पूरे फिनिशिंग से और पूरा अच्छा प्लाजो हमने तैयार किया, जब हम इसको डालेंगे तो बिल्कुल स्कर्ट का लुक आएगा, ये कंफर्टेबल रहता है। हम घूमने जाते हैं कहीं पर भी तो बड़ा अच्छा पीस बन गया है। समर में रियोन फैब्रिक बिल्कुल अच्छा होता है समर के लिए, तो ये रियोन है, समर में खूब अच्छा चलेगा। मेहंदी के लिए बनी है दोस्तों ये ड्रेस, मेहंदी फंक्शन के लिए ड्रेस रेडी हो रही है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।